नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अली। इस समय हम खड़े हैं वसई के MACB ऑफिस के बाहर। आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ कई सैकड़ों लोग जो है एक मोर्चे के रूप में, आंदोलन के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं। कुछ मांग को लेकर इन्होंने आज दो दिन का बंद बुलाया है, आज और कल 28 और 29 का दो दिन का बल्ब है ये बंद। ये महाराष्ट्र राज्यव्यापी बंद है जिसमें कई संगठना इनके साथ जुड़ी हुई है। इनकी मांगे एक्चुअली दरअसल केंद्र सरकार जो प्राइवेटाइजेशन ला रही है उसको लेकर इनकी मांगे हैं कि प्राइवेटाइजेशन का जो पद्धति है उसको बंद करना चाहिए। उसके अलावा और कुछ इनकी मांगे हैं, हमने इनके पदाधिकारी से बात की, आप आगे वीडियो में देखेंगे। और जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन में आगे बढ़ रही है, आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि कोई भी उपक्रम सार्वजनिक उपक्रम नहीं रहकर सिर्फ कुछ चंद लोगों का उपक्रम रहेगा और उसका क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा देशवासियों को, ये आज नहीं आने वाले कुछ सालों में मालूम पड़ेगा। देखिए इस पूरे मामले को और सुनिए क्या कुछ इनके विचार पदाधिकारियों के। वसई से यूसुफ अली। आपका नाम? संजय तिड़के। क्या विषय है आज आप लोग मोर्चा निकाल रहे हो, क्या विषय? ये जो केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का ये जो प्राइवेटाइजेशन करने का जो एजेंडा इन्होंने चला के रखा है उसके बारे में, जब हम 9 मार्च को अपना आज़ाद मैदान मुंबई में जब हमने सब वहाँ जाके अपना प्रस्ताव रखा, उस समय वहाँ पर राज्य सरकार के प्रतिनिधि इन्होंने आकर, अगर उस समय हमारे प्रतिनिधि जो हमारा जो संगठना के जो वरिष्ठ पदाधिकारी है उनसे बात करके अगर वो वहाँ पर हमारे जो हमारी प्रमुख मांग जो ये है प्रस्ताव है हमारा है कि जैसा खाजगीकरण होना नहीं चाहिए यानी प्राइवेटाइजेशन होना नहीं चाहिए, जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी है जो कि यहाँ महावितरण कंपनी में 8-8, 10-10 साल 20-20 साल से काम कर रहे हैं, आज उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है, उनको जॉब की श्योरिटी मिलना चाहिए, उनको 60 साल तक काम मिलना चाहिए, यह हमारी एक प्रमुख मांगनी थी। इसके बाद आज जिस तरह से ये धीरे धीरे करते हुए बाकी जैसा इतर राज्य में जैसा कश्मीर, जम्मू कश्मीर, पांडिचेरी, अभी हाल ही में अपना मध्य प्रदेश, इसका जो प्राइवेटाइजेशन करने का जो केंद्र सरकार के माध्यम से जो भी प्रस्ताव आज तक ये पारित करते आए हैं, ऐसा ही प्रस्ताव अभी बीच में ही बोला गया था कि जो आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि इनको 16 जो राज्य है वो खाजगीकरण के लिए देने के लिए जो बात चल रही है, इसके खिलाफ हम लोग सब आवाज़ उठा रहे हैं और हमारा राज्य शासन से यही विनंती है कि ये जो महावितरण कंपनी है ये लोगों को घर घर बिजली पहुँचाए, सबका जो जीवन मान है ये ऊंचा हो और सब जो आज जो सस्ते दरों में यहाँ बिजली सभी वर्ग के किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे कोई भी हो, जो भी इस राज्य के रहवासी है उनको जो ये सस्ते दामों में जो बिजली आज मिल रही है, अगर यही बिजली का उद्योग अगर प्राइवेट के हाथों के हाथ में चले गया तो इसका परिणाम सभी जनता को भुगतना पड़ेगा। आज बिजली के दर जो ये अब MERC के माध्यम से जो नियंत्रित किए जाते हैं ये सब नियंत्रण सभी राज्य शासन के हाथ से निकल जाएगा और ये जो उद्योगपति है इनके हाथों में चला जाएगा, जिसका परिणाम आगे जाके ये हमारी जो गरीब जनता है इसके ऊपर ये बड़ा परिणाम हो सकता है। इसके लिए यह जो संप चल रहा है ये सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं है, जबकि ये पूरे हम जितने भी देशवासी है उन सबके विकास के लिए यह संप चालू है और जब तक हमारी सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक ये सब जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कौन कौन संगठन आपके साथ में है? आज हमारी जो महावितरण की प्रमुख 29 संगठना है, 29 वो 29 संगठना इसमें है और जो कंट्राटी कामगार के जो 12 संगठना है वो इसमें शामिल है, ऐसा टोटल 39 संगठन आज इस संप में शामिल है और यह संप पूरा महाराष्ट्र में सभी तरफ अतिशय जोरों उत्साह से चालू है। हेलो, आपका नाम? मेरा नाम रोहित संखे। आप क्या कहना चाहेंगे आज के बल्कि? आज जो हमारे कृति समिति का आज दो दिन के लिए जो संप ये बुलाया है उसका मेन है हमारा जो शासन जो खाजगीकरण कर रही है, जो प्राइवेटाइजेशन का उनका चालू है,
आज वो जो गवर्नमेंट जो ये है हाइड्रो स्टेशन है वो उनको प्राइवेटाइजेशन देना है, सब अदानी और इनको ही देना है। आज जो चालू है सब जितने प्रॉफिट सेंटर मार्केट थे, एयरपोर्ट बोलो बाकी सब, वो सब प्राइवेट सेक्टर को जा रहे हैं। वैसे ये भी जो मेन जो हाइड्रो स्टेशन है, जो हमारे प्रॉफिट मेटर सेंटर है, वो उसको भी प्राइवेटाइजेशन करने का चालू है। उसके साथ वो हमारे जो आउटसोर्स जो कामगार है उनको 60 साल तक उनको उनकी जो नौकरी की एक श्योरिटी देनी चाहिए, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। और उसके साथ हमारे जो 16 शहर जो है प्राइवेट सेक्टर जो जिसपे प्रॉफिट सेंटर है उसको भी प्राइवेटाइजेशन के लिए, मतलब सिर्फ प्रॉफिट सेंटर ही इनको प्राइवेट सेक्टर को देना है, बाकी इनको रूरल भाग को ही देना नहीं है। उसके साथ हमारे बात हमारा जो एक्ट है 2021 का जो एक्ट है उसको कैंसिल करने के लिए, उसको रद्द करने के लिए हमारे लिए ये लड़ाई है। इस लड़ाई इस एक्ट को कैंसिल करने के लिए किसानों ने भी उनकी भी उन्होंने भी मांगा है कि इस एक्ट को रद्द किया जाए। और ये हम तो शामिल है ये तो दो हम हमने तो सिर्फ फिलहाल तो ये दो दिन के लिए दो दिन का हम संपादन, अगर हमारे ये मांगनी जो हमारा जो ये मांगनी है वो अगर वो पूरी नहीं किया जाती है तो हाँ ये हम बेमुदत सम पे हम उतरेंगे। कौन कौन से राजनीतिक पार्टी आपके साथ में? हमारी सिर्फ से कृषि समिति कर्मचारी संगठन है, अधिकारी कर्मचारी संगठन है। मेरा नाम रोहित संख है। आप क्या कहना चाहेंगे आज जो हमारे कृषि समिति का आज दो दिन के लिए जो सम्पो ये बुलाया है उसका मेन है हमारा जो शासन जो खासगीकरण कर रही है, जो प्राइवेटाइजेशन का उनका चालू है, आज वो जो गवर्नमेंट जो ये है हाइड्रो स्टेशन है वो उनको प्राइवेटाइजेशन देना है, सब अदानी और इनको ही देना है। आज जो चालू है सब जितने प्रॉफिट सेंटर मार्केट थे, एयरपोर्ट बोलो बाकी सब, वो सब प्राइवेट सेक्टर को जा रहे हैं। वैसे ये भी जो मेन जो हाइड्रो स्टेशन है, जो हमारे प्रॉफिट मेटर सेंटर है, वो उसको भी प्राइवेटाइजेशन करने का चालू है। उसके साथ वो हमारे जो आउटसोर्स जो कामगार है उनको 60 साल तक उनको उनकी जो नौकरी की एक श्योरिटी देनी चाहिए, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। और उसके साथ हमारे जो 16 शहर जो है प्राइवेट सेक्टर जो जिसपे प्रॉफिट सेंटर है उसको भी प्राइवेटाइजेशन के लिए, मतलब सिर्फ प्रॉफिट सेंटर ही इनको प्राइवेट सेक्टर को देना है, बाकी इनको रूरल भाग को ही देना नहीं है। उसके साथ हमारे बात हमारा जो एक्ट है 2021 का जो एक्ट है उसको कैंसिल करने के लिए, उसको रद्द करने के लिए हमारे लिए ये लड़ाई है। इस लड़ाई इस एक्ट को कैंसिल करने के लिए किसानों ने भी उनकी भी उन्होंने भी मांगा है कि इस एक्ट को रद्द किया जाए। और ये हम तो शामिल है ये तो दो हम हमने तो सिर्फ फिलहाल तो ये दो दिन के लिए दो दिन का हम संपादन, अगर हमारे ये मांगनी जो हमारा जो ये मांगनी है वो अगर वो पूरी नहीं किया जाती है तो हाँ ये हम बेमुदत सम पे हम उतरेंगे। कौन कौन से राजनीतिक पार्टी आपके साथ में? हमारी सिर्फ कृषि समिति कर्मचारी संगठन है, अधिकारी कर्मचारी संगठन है। जनरल अध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहे आणि आम्ही आमच्या फेडरेशन सोबत जे एससीए मनसे भारतीय कामगार सेना आणि इतर बाकी सर्व संघटना पण वसईमध्ये कार्यरत असलेल्या आमच्या चार मुख्य संघटना आहेत आणि त्यांचा इथे उत्स्फूर्त प्रतिसाद आहे। सर काय म्हणाल तुम्ही खासगीकरणाच्या विरोधात आज वसईमध्ये महावितरणाकडून आंदोलनाचं सूत्र हातात घेतलेलं आहे? साधारण किती कर्मचारी याच आंदोलनामध्ये सहभागी झालेले आहेत आणि महाराष्ट्रभरामधून किती कर्मचारी यात सहभागी आहेत? आमच्या वसई या सर्कलमध्ये साधारण 550 कर्मचारी एकंदर कामाला आहेत, त्याच्यापैकी 80% हे साधारण 400 ते 450 लोक आज पूर्ण वसई सर्कलमध्ये संपामध्ये उतरलेले आहेत। आजचा संप आम्ही जास्तीत जास्त मोठ्या संख्येने यशस्वी करण्याचा आम्ही प्रयत्न केलेला आहे आणि चांगला प्रतिसाद मिळत आहे, कारण आमच्या इतर याच्यामध्ये ज्या संघटना कार्यरत आहेत त्याच्यापैकी फक्त दोन संघटना ह्या आमच्या कुटीर संघटना असून त्यांच्या अनुषंगाने फक्त त्यांच्याकडे साधारण 15 ते 20% फक्त कर्मचारी त्यांचे असून बाकी 80% कर्मचारी आमच्या या संघटनेचे असून सर्व संघटनेचा आम्हाला चांगला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळालेला आहे। प्रमुख मागण्या काय आहेत आमच्या याच्यामध्ये? आमच्या ह्या संपासमध्ये आमच्या वैयक्तिक किंवा आमच्या कुठल्याही कर्मचाऱ्यांच्या स्वार्थाच्या कुठल्याही मागण्या नसून फक्त जनतेच्या
मालकीचा जो हा वीज उद्योग आहे तो खाजगी होऊ नये, त्याचं प्रायव्हेटेशन होऊ नये, ते जनतेच्या मालकीचा राहावा. आणि त्याचा हे जे भरभराट आज जे आतापर्यंत झालेले या आमच्या उद्योगाची ते असेच कार्यरत राहून त्याचा जनतेला फायदा व्हावा. जर याचा शेतकरी गरीब कष्टकरी यांच्यासाठी हा उद्योग टिकला पाहिजे म्हणून आम्ही सर्व प्रायव्हेटेशनच्या विरुद्ध खाजगीकरणच्या विरुद्ध आज संप पुकारलेला आहे. आपले नाव काय आणि प्रश्न? आज के बंद में महिला शक्ति की क्या देखिए, SCA में महिला सभासद है सभी, तो हमारा यही है मेन कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए सारी महिलाएं भी सपोर्ट कर रही है. कितने लोग हैं इस पूरे बंद में आपके साथ में सपोर्ट कर रहे जी? यहाँ पे बैठे सभी है और भी है जो आ नहीं पाए अभी यहाँ पे, पर वो जहाँ पे है वहाँ से वो मांग क्या आपकी? प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, यही पहली मांग है हमारी. उसके बाद में जो हमारे आउटसोर्सिंग के स्टाफ है उनको उनके सर्विस का सिक्योरिटी मिलना चाहिए, श्योरिटी मिलना चाहिए कि वो अपने रिटायरमेंट तक रह सकते हैं कंपनी में, उनको कभी भी निकाला नहीं जाएगा. हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें.